Uh, we are going uh, to talk about uh, uh, concept of uh, self-management. it is uh, very crucial, very important, very necessary to know the detail that uh, why it is useful and uh, why it is uh, what to do in it and, uh, and how we are to make the things useful while doing uh, in a in a series of uh, concept and uh, we'll talk about first of all that uh, using uh, uh, initiative self management ke liye hum naya task karne ke liye bacche ko is qabil banate wo ek जब उसे अपने तमाम तरह के ए, काम की नोयीय का अंदाज़ा हो उसकी डिटेल का अंदाज़ा हो उसके मुख्तलिफ कम्पोनेंट्स पहले से करके सक्सेसफुल होने का उसे इंतिया हो उसे अशोरेंस हो और इसमें हम ये भी देखते हैं कि वो अपने पर्सनल गोल्स को बाज़त सेट करता है कि वट आई टू डू टुडे, तो वट आई टू डू फॉर द नेक्स्ट डे एंड व्हाट आई टू डू विद द हेल्प ऑफ द अदर्स दोस्तों के साथ मैच खेलना है तो उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें करने वाली होती हैं कि कौन से ग्राउंड में कौन कौन से लोग होंगे टीम मेंबर्स कौन होंगे और उसको कब किस वक्त में खेला जाएगा और कब ख़त्म होगा और उसका अख्ताम किस तरह से होगा ये सारी चीज़ें उसकी आ, अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ को सामने ला के की जा सकती हैं और उसमें वो अपना अकाउंटेबल भी है उसमें अकाउंटेबिलिटी की सेंस हम डेवलप करते हैं कि वो अपना एहतसाब कर सके कि मैंने कौन सी चीज़ें तय की थी और मैंने कौन सी चीज़ें कर ली मुकम्मल कर ली और कौन सी बातें रह गई जिसको मुझे आइंदा के लिए करना है और अपने उन सक्सेसफुल एक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को करता है और अपने उन एक्शंस में अगर कोई ऐसी नाकामी उसे नज़र आती है तो वो भी अपने आप को अकाउंटेबल करता है कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों को देखना और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना एक्सेप्ट करना ये सेल्फ मैनेजमेंट है इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक छोटा सा टास्क है या एक बड़ा सा टास्क है तो उसके करने के लिए टाइम फ्रेम है टाइम फ्रेम में अगर हम करेंगे दैट इज़ सूटेबल अगर हम एक टास्क को लंबे अरसे तक मुलतवी करते रहते हैं या उसको थोड़ा थोड़ा इतना इस तरह से करते हैं कि उसकी अहमियत अफादियत खत्म हो जाती है तो सेल्फ मैनेजमेंट इसको हेल्प आउट करती है हाउ टू अकोमुलेट दैट टास्क विद इन अ टाइम और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को आर्गेनाइज करने की जरूरत होती है जिसमें रिसोर्सेज को आर्गेनाइज करना है उसमें सेल्फ एबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को सेटल करना है फॉर दैब्लिशमेंट ऑफ द बिहेवियर फॉर दैब्बलिशमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन एक्शंस इसी तरह हम आ, ये भी देखते हैं कि बच्चे के मुख्तल्फ तरह के जो टास्क हैं उसमें उसकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं वो किस किस तरह से काम कर सकता है किस किस तरह के वो काम करता है घर में एक्टिविटीज़ किस तरह की करता है अगर दोस्तों के साथ मिल के कोई काम कर रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है हम उसमें उसकी मदद किस तरह से कर सकते हैं उसमें आ, अगर कोई उसे कोई प्रॉब्लम है उसे काम में कोई दिक्कत पेश आ रही है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं हम उसको मशवरा दे सकते हैं हम आ, उसके साथ मिलकर आ, उसके रिसोर्सेज को अकोमोलेट करने में पहचानने में उसकी मदद कर सकते हैं अगर वो कमी महसूस करता है तो उसके लिए कोई अलग से कोई मैनेज किया जाए कि उसको वो पाया मिल पहुँचाए और इसी तरह आ, हम ये भी देखते हैं कि बच्चे अपने आप को रिकगनाइज करें दैट वाट आई एम वट आई कैन डू एंड वट आई कैन नाट डू ये बड़ी अहम बात है कि बच्चे अपने उन तमाम एक्शंस को अफ को समझें कि जो वो कर सकते हैं जो उन्हें करने चाहिए उसको वो एक्सेप्ट करें और वो काम जो वो नहीं कर सकते इस बात को भी वो एक्सेप्ट करें आई कैन नॉट डू दिस वन इज द एबिलिटी ऑफ़ द सेल्फ मैनेजमेंट इस तरह मुख्त तरह के इमोशन हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है गुफ्तू करने में बाजूक यह है कि दूसरों के बिहेवियर से फर्द फील करता है कि इट्स नॉट गुड एंड आई कैन नॉट टॉलरेट तो इसमें एक बैलेंस पैदा करने की ज़रूरत है दूसरों की बात को सुनना सुनने के बाद रादर हमें उसको रिफ्लेक्ट करना है या नहीं करना या हमें खामोश रहना है या किस बात पर हमें रिफ्लेक्ट करना और रिफ्लेक्ट करने का अंदाज़ क्या होना है ये सारी चीज़ें हमें या तो फ्रस्ट्रेट करती हैं या हमें अपसेट कर देती हैं तो इसमें बैलेंस पैदा करना ताकि ना तो हम स्ट्रेसफुल हों ना हम अपसेट हों ना हम आ, उस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो इसी तरह फर्द की या इंडिविजुअल की जो पर्सनल डेवलपमेंट है कि उसकी अपनी लाइफ उसके अपनी पर्सनैलिटी उसके अपने वे ऑफ एक्शंस उसके बॉडी जेस्चर्स एंड बॉडी कॉन्फिडेंट और uh, बाकी मेंटेनेंस ऑफ दी बॉडी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये उसकी पर्सनल डेवलपमेंट है हाउ टू इंटरेक्ट, बात कैसे करनी है बात को सुनना किस तरह से है और उस पर रिफ्लेक्ट किस तरह से करना है और उस पर किस तरह से एक्शन करना है इसमें आ, हम आ, ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के बच्चों के जो आ, आ, टास्क हैं उसमें हम उनकी सुपरविजन किस तरह से कर सकते हैं और उसमें उनके करने में हम उसके लिए हम विजिलेंट रहें कि वट दे आर गोइंग टू डू उसमें बाद वो अपने छोटे छोटे टास्क करने में आ, उनको दिक्कत हो रही होती है या वो आप, उनको किसी नुकसान का एतमाल हो तो हम फौरी इंटरवीन करके उनकी मदद कर सकते हैं इसी तरह Uh, बहुत सारे रिलेशन्स डिवेलप uh, होते हैं विद दी अदर पीपल फ्रेंड्स के साथ दूसरे uh, लोगों के साथ सोसाइटी तो में uh, मसलन यह है कि शॉपकीपर्स uh, के साथ इंटरेक्शन उनके साथ uh, लेना देना और उसमें uh, कुछ चीज़ें यानी वी टू पे एंड वी टू गेट कमोडिटी कोई चीज़ हम लेते हैं और uh, बच्चे उसको किस तरह से क्या उसको चेक करते हैं कि अगर पांच पेंसिलें ली हैं तो क्या वो पांच ही हैं और उसके लिए कितने पैसे दिए हैं और अगर उसमें से कुछ पैसे बाकी बचते हैं तो वो वापस लिए ये सारी अकाउंटेबिलिटी है जो अपने लिए वो करता है और अपने आप को वो मैनेज करता है कि अपने अकाउंट को भी बैलेंस करे अपने पर्सनल स्किल्स को भी बैलेंस करे अपने इमोशंस को भी बैलेंस करे ओवरऑल एबिलिटीज़ को किस तरह से वो ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोसाइटी तो की जरूरत के मुताबिक और अपने दोस्तों की सहूलत के मुताबिक अपने आप को मैनेज करता है थैंक यू वेरी मच